नमस्कार। मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्वाति रायना। निवेश में तो कई बार गलतियां हमसे हो ही जाती हैं और ये आम बात है, लेकिन जानबूझकर गलती करना, ना समझी में गलती करना और किसी की देखा देखी में गलती करना आपके निवेश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हमसे हो जाती है जाने अनजाने में, इसके बारे में जानना भी जरूरी है, उसको गलती को ठीक करना भी जरूरी है। तो इन गलतियों पर चर्चा करने के लिए और इनको कैसे सुधारा जाए, इसके बारे में और जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज हैं प्रतिभा गिरीश, यह है फाउंडर फिनवाइज। प्रतिभा, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। और जैसा मैंने शुरुआत में बोला कि निवेश में तो कई गलतियां होती है और फेलियर डरना नहीं चाहिए, लेकिन जानबूझकर गलती करना ये आपके निवेश के लिए हेल्दी नहीं है। इसलिए जब भी हम इनफैक्ट ये जो हमने गलतियों की एक लिस्ट बनाई है, 5 गलतियों की लिस्ट और उसके निपटने के तरीके, वो जो आप दर्शक हमें सवाल भेजते हैं उन्हीं में से हमने निकाली है। तो आप में से कई सवालों दर्शकों के सवालों के जवाब भी इन गलतियों के समाधान में निकल कर आ जाएंगे। पहला ये है कि कई बार जो निवेशक हमसे सवाल जानना चाहते हैं कि हमें 5 साल में 5 करोड़ की रकम चाहिए, 10 साल में 10 करोड़ की रकम चाहिए, या फिर कई तो और भी ज़्यादा लैविश गोल्स क्रिएट करते हैं, लेकिन शायद वो इस पूरे प्लानिंग में महंगाई को काउंट करना भूल जाते हैं। समझते हैं कि चलिए आज से मानिए 5 साल के बाद तो शायद 2 करोड़ की रकम काफ़ी होगी। महंगाई को काउंट न करना निवेश में, ये कितनी बड़ी गलती है और इसको सुधारने का तरीका क्या है? महंगाई को नजरअंदाज करना तो आई थिंक हर एक इन्वेस्टर ये गलती कर बैठते हैं, स्टार्टिंग में तो करते ही हैं। तो नॉर्मली जब हम रिटायरमेंट के लिए प्लान करते हैं, मान लो 20 साल 30 साल का भी 15 साल भी हो सकता है, बट मेनली 20-30 साल रहता है रिटायरमेंट के लिए, तो हम आज के जो एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से देखते हैं और सोचते हैं कि चलो हमारे पास अगर 2 करोड़ है तो बस हो गया, हम रिटायर हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री मान सकते हैं अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जानना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा थंब रूल है जिससे आप ये गलती नहीं करेंगे। आज की तारीख में अगर आप मान लो 50,000 खर्चा कर रहे हैं, आज की तारीख में महीने का 50,000 का खर्चा हो रहा है आपका, तो महंगाई की वजह से भले आप बहुत कॉन्शियस रहे और ज्यादा अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाए नहीं, तब भी महंगाई की वजह से, प्योर इन्फ्लेशन की वजह से 10 साल बाद ये 50,000 हो जाएगा, 1 लाख का खर्चा। आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ चीजों का भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 लाख हो गया, और 20 साल बाद वो खर्चा हो जाएगा 2 लाख। मतलब आज की तारीख में 50,000, 2 साल बाद 20 साल बाद होगा 2 लाख रुपया महीने का खर्चा। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि 1 करोड़ या 2 करोड़ बस हो जाएगा, ये बहुत बड़ा गलती है और इसको सुधारने का मौका बाद में मिलता ही नहीं है। दूसरी बात, महंगाई से याद आता है कि आप बहुत लंबे चौड़े पॉलिसीज ले लेते हो। अभी आज की तारीख में आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा पॉलिसी है, 20 साल बाद मुझे 1 करोड़ मिलने वाला है, तो रिवर्स कैलकुलेशन करना है। 20 साल बाद 1 करोड़ मतलब 10 साल बाद उसका आधा, उसका वैल्यू आधा होता है। 10 साल बाद उसका होगा वैल्यू 50 लाख और आज की तारीख में उसका वैल्यू 25 लाख। तो 20 साल बाद जो पैसा मिलने वाला है उसका वैल्यू आज की तारीख से अगर आप नापोगे तो सिर्फ 25 लाख है। ये थंब रूल को अगर आप मन में रख लेंगे तो ये कभी मिस्टेक नहीं हो पाएगा कि आप निवेश कर रहे हैं तब आपको पता चलेगा कि कितना आपका रकम चाहिए बाद में और आज की तारीख में उसका वैल्यू क्या है। बिल्कुल, तो निवेश की वैल्यू, पैसे की वैल्यू कितनी है। आज जो चीज 100 रुपए मिलती है, आप अपना बजट देख लीजिए, वो क्या आने वाले टाइम में आपको लगता है 100 रुपए की मिलेगी? जो बजट आपका होता था, आप 10,000 रुपए में अपने घर का बजट बना लेते थे, अब वो बढ़कर 15,000-20,000 रुपए तो डेफिनेटली हो ही गया होगा। तो इसी को महंगाई कहते हैं। ये तो महीने का बजट हुआ, लेकिन निवेश में भी इसको जोड़ना बेहद जरूरी है। और कई सवाल हमारे पास आते हैं, पूरा प्लानिंग की होती है कि मुझे इस फंड में बताइए कौन से फंड में निवेश करना है, मुझे 5 साल के लिए निवेश करना है, 10 साल के लिए निवेश करना है, लेकिन गोल क्या है, किस गोल के लिए निवेश करना है, वो कहीं मेंशन नहीं होता है। कई दर्शक तो हमें ये भी कहते हैं कि मैंने अभी कोई गोल सेट नहीं किया है, पहले निवेश कर लूं उसके बाद गोल में देखता रहूंगा कि किस गोल के लिए निवेश करना है। जब हम विदाउट गोल प्लानिंग करते हैं तो उससे हमारे निवेश की जो गाड़ी है किस तरह डिरेल होती है?
हम विदाउट गोल जब प्लानिंग करते हैं ना तो हमें फोकस नहीं रहता, हमें कितना चाहिए पता ही नहीं चलता, एक टिक मार्क एक्टिविटी जैसा हो जाता है कि हाँ मैंने सेविंग कर लिया, हम खुश भी हो जाते हैं कि हम सेविंग कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा रकम हो जाएगा। और अगर छोटी मोटी टेम्पटेशन आ जाए बीच में, कोई अच्छा सा ट्रिप आया जो डिस्काउंटेड है, या बहुत अच्छा लैपटॉप आया जो अपग्रेड करना है, तो आपको बहुत टेम्पटेशन रहता है कि आप वो जिस जिस कारण आप सेव कर रहे हो, कारण ही नहीं है, गोल ही नहीं है, सेट नहीं किया आपने, तो आप इजिली उसको तोड़ दोगे। और आज की तारीख में आपको जो सबसे ज्यादा प्लेजर मिलता है उस चीज पे आप खर्चा कर दोगे। तो नंबर वन, आप मिसलीड हो जाएंगे कि हाँ मैं जितना करना चाहिए कर रहा हूँ, और एक्चुअली में आप बहुत कम कर रहे होंगे। नंबर टू, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है तो जैसे जैसे कुछ टेम्पटेशन आएगा उसके लिए आप गिव इन कर लोगे कि मुझे आज की तारीख में खर्चा करने दो। वैसे अगर हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें डेस्टिनेशन तो होता है, तो ब्रॉडली अर्मार्क करने से लोग कभी ये इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ते नहीं। जब ये टेम्पटेशन आता तो हम बोलते हैं ठीक है मैडम आपको यूरोप जाना है, नो प्रॉब्लम, आपका रिटायरमेंट से निकाले कि बच्चे का एजुकेशन से निकाले, तो बहुत कम लोग बोलते हैं निकाल दो रिटायरमेंट से, हम यूरोप जाएंगे, बोलते हैं नहीं रहने दो हम देख लेंगे। बिल्कुल, तो बेसिकली आपके गोललेस प्लानिंग, रिटायरमेंट के लिए पैसे रखे थे लेकिन खर्च कर दिया वेकेशन पर, क्योंकि वेकेशन के लिए तो प्लानिंग ही नहीं की थी। इसलिए हर एक गोल को ईयरमार्क करना ज़रूरी है, जैसा प्रतिभा ने भी जिसकी अहमियत हमें बताई है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, हम सब को लगता है कि किसी निवेश में हमें गारंटीड रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अब जब वो रिटर्न नहीं मिलता है तो हमें बहुत निराशा होती है, मायूसी होती है कि इसमें तो कहा गया था कि इतना रिटर्न मिलेगा लेकिन हमें तो मिल ही नहीं रहा, हमें निवेश में नुकसान हो रहा है, अब हम क्या करें। तो गारंटीड रिटर्न जैसी कोई चीज होती है निवेश में? अगर इक्विटी में कर रहे हैं तो गारंटीड रिटर्न तो होता ही नहीं है, इंडिकेटिव रिटर्न्स होता है, और वो भी हाली का परफॉर्मेंस देख के लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं, किसी ने शायद उनको गारंटी भी नहीं दिया होगा। गारंटीड रिटर्न्स के पीछे जाएंगे इसका ये मतलब है कि आप वेल्थ नहीं बना पाएंगे। गारंटीड रिटर्न आपको कहाँ मिलता है? आपको मिलेगा FD जैसे प्रोडक्ट्स में, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में वगैरह मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में गारंटीड रिटर्न नहीं मिलेगा, ना ही डेट में आपको गारंटीड रिटर्न मिल सकता है। डेट म्यूचुअल फंड्स में भी आपको इंडिकेटिव रिटर्न ही मिलता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि रिस्क और रिटर्न एक ही कॉइन के दो पहलू है। अगर आप सिर्फ रिटर्न को देखोगे, गारंटीड रिटर्न मतलब रिस्क बहुत ही कम होगा, थोड़ा रिस्क नहीं लेंगे तो रिटर्न नहीं बना पाएंगे और वेल्थ नहीं बना पाएंगे। तो ऐसा होता है ना कि आप बहुत तेजी से भाग रहे हो और वही जगह पर रह रहे हो, तो गारंटीड रिटर्न्स के पीछे भागना यही होता है कि आप बहुत कम रिस्क ले रहे हो, और वो सबसे बड़ी रिस्क है आपकी लाइफ में कि आपने रिस्क ही नहीं लिया, वेल्थ ही नहीं बनाया। बिल्कुल, और यहाँ पर खासतौर पर इन्वेस्टमेंट पे एक बात बहुत ज्यादा कॉमन देखी गई है प्रतिभा, कि मेरे किसी दोस्त ने एक फंड में निवेश किया, उसको तो बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, मुझे भी उस फंड में निवेश करना, या शायद उसी ने मुझे सजेस्ट किया होगा कि तुम जरा इस फंड में निवेश करो, बहुत अच्छा फंड है, या मैंने कहीं पर देखा देखी में किसी से सुनकर, किसी से समझकर, जो कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं भी है, उनसे सुनकर हमने निवेश कर लिया, बेसिकली भेड़ चाल का हिस्सा हम बन गए और हो गया बाद में नुकसान। तो ये जो नकल करके जो निवेश करते हैं कई लोग, या जो भेड़ चाल का हिस्सा बनते हैं, उससे किस तरीके का नुकसान है, और अपना इंडिविजुअल चॉइस होना कितना जरूरी है, कैसे हमें मालूम चल पाए कि ये फंड मेरे लिए सही है? तो पहले समझना है कि हर एक का सर्कमस्टेंस अलग होता है। दो रिटायर्ड अगर पीपल आते हैं हमारे पास तो उनका सर्कमस्टेंस बहुत अलग होता है। एक के पास इतना पैसा है कि वो जितना भी खर्च करे उनके लाइफ टाइम में वो स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए थोड़ा प्रोडक्ट्स जैसे प्रोडक्ट्स देते हैं वो दूसरे को नहीं दे सकते, जिनको बहुत सोच समझ के बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करने पे भी उनका शायद गोल्स नहीं मीट हो सकता है। तो ये रिटायर्ड की बात कर रही हूँ, हर एक का ऐसे ही सिचुएशन होता है। किसी का एजुकेशन का गोल है, और किसी का अगर रिटायरमेंट का गोल है, किसी का 5 साल का और किसी का 15 साल का, तो वो सेम प्रोडक्ट उसके लिए काम नहीं आएगा। 15 साल में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं और प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आमतौर पर डिस्कशन जब फ्रेंड्स फैमिली के बीच में होती है तो सिर्फ एक बात पर अटकती है कि मुझे रिटर्न्स बहुत तगड़ा आया,
इसमें यह भी सोचने वाली बात है कि आपने कब इन्वेस्ट किया, आपने शायद 2020 अप्रैल में इन्वेस्ट किया और मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ अभी 2022 में, क्या मुझे वही रिटर्न मिलेगा जो आपको मिला? बिल्कुल नहीं, वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है। एक तो रिटर्न सेम नहीं मिलने वाला, सिचुएशन सेम नहीं है आपके पास, आपका शायद बहुत लॉन्ग टर्म गोल है और मुझे एजुकेट करना अपने बच्चे को 5 साल में, तो मैं वो प्रोडक्ट ले ही नहीं सकती हूँ। तो ये अपने को ध्यान में रखना है कि क्या हम जो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसका रिस्क भी हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से है और रिटर्न एक्सपेक्टेशन रिस्क के हिसाब से ही आएगा, दोनों रिवर्स कभी नहीं करेंगे रिस्क और रिटर्न। के तो भेड़ चाल का हिस्सा ना बने और सिर्फ रिटर्न देकर निवेश करना, मतलब मैंने पिछले 3, 5, 10 साल का किसी फंड का प्रदर्शन देख लिया, बहुत अच्छा लगा और मैंने निवेश किया, लेकिन फंड की जो अभी की परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं हो रही है, तो पिछला रिटर्न किसी फंड के परफॉर्मेंस का कितना बड़ा पैमाना है? अब 5 साल 10 साल की बात छोड़ो, ज्यादा तक जो कस्टमर्स आते हैं वो तो सिर्फ देखते हैं कि लास्ट 6 महीने में क्वार्टाइल 1 फंड क्या है। हम कई सारे वो नो इंटरैक्शंस में, जैसे हम वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं तब देखते हैं, तो उनको सबको क्वार्टाइल 1 फंड्स ही चाहिए, सबको वो फंड्स चाहिए जो पिछले 6 महीने में 1 साल में नंबर 1 रहा हो। ऐसा कोई भी फंड नहीं होगा जो हमेशा क्वार्टाइल 1 में रहेगा या हमेशा नंबर 1 रहेगा। रिटर्न्स के अलावा भी आपको ये देखना जरूरी है कि कितना कंसिस्टेंट है ये फंड। जैसे आपने बोला, अगर आप 5 साल 3 साल का देख रहे हो तो भी पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स ना देखें, क्योंकि अगर पिछले 1 साल में अच्छा किया है तो सब कुछ अच्छा रोजी पिक्चर बन जाता है। आप देखिए रोलिंग रिटर्न्स क्या है, जब मंदी थी मार्केट में तब कैसे किया आपके फंड्स ने, जब आप उन फंड का फिलॉसफी क्या है, ये सब बहुत मायने रखता है। क्योंकि अगर By chance आपने इन्वेस्ट कर लिया और उसके बाद कुछ डाउन टर्न आया मार्केट में, तो आपको कन्विक्शन चाहिए ना कि आप 5 साल तक टिके रहे, और वो कन्विक्शन के लिए ये जरूरी है कि आप बाकी फैक्टर्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितना आप रिटर्न्स के लिए इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। ओके, तो ये समझना जरूरी है कि सिर्फ पिछला रिटर्न किसी फंड के परफॉर्मेंस का पैमाना नहीं है। एक कॉलर से बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं मदन ठाकुर, हमारे साथ हैं शिमला से। मदन जी बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे शो में। आप अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए 20 साल में 2 करोड़ रुपए चाह रहे हैं, कब से निवेश कर रहे हैं आप, थोड़ा सा डिटेल्स बताएंगे अपने इन्वेस्टमेंट की? मैम लास्ट ईयर से 1 साल हो गया। हेलो, ओके, 1 साल से आप निवेश कर रहे हैं? बिल्कुल सर। और ओके, और ये जो फंड्स हैं, आप लगभग 40,000 का आप निवेश कर रहे हैं 20 साल में 2 करोड़ रुपए, ये रिटायरमेंट प्लानिंग है प्योरली? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। ओके, मैं फटाफट से आपके सवाल का ये राय ले लूं आपसे, हमारे एक्सपर्ट से। प्रतिभा जरा बताइए, इनके फंड्स हैं हमारे सामने, इनके फंड्स की डिटेल्स भी हैं। 8 फंड 40,000 का निवेश है, 44 ईयर्स के हैं, तो अराउंड कुछ सालों के बाद, 20 सालों के बाद रिटायरमेंट प्लानिंग है इनकी। क्या लगता है इनके इनका लक्ष्य पूरा होने की तरफ है इनके निवेश से? फंड सिलेक्शन जो है वो अच्छा है, अच्छे फंड्स को सिलेक्ट किया आपने, और जो एक ही चीज है कि थोड़ा एग्रेसिव है आपके फंड सिलेक्शन, मतलब लार्ज कैप जो फंड्स है वो स्टेबिलिटी लाता ना पोर्टफोलियो में, सिर्फ 55% ऑफ योर पोर्टफोलियो आज के तारीख में लार्ज कैप में है, बाकी मिड और स्मॉल कैप में। ये अच्छे टाइम्स में जरूर आपको किकर देगा, थोड़ा बेटर रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन जब डाउन टर्न आता है तो आपको बहुत सारा उतार चढ़ाव का आप महसूस कर सकोगे कि बहुत सारा उतार चढ़ाव हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया, फंड्स तो अच्छे हैं। 2 फंड्स जो है आपने नए फंड्स चूज किए हैं, एक्सिस क्वांट फंड और ABSL मल्टी कैप फंड, उसके बारे में ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा नहीं है, बट फंड हाउस को तो हम जानते ही हैं, सो इट शुड बी ओके। मेरा सुझाव ये होगा कि आप iPRO फ्लेक्सी कैप के बदले में PPFS फ्लेक्सी कैप, पराग पारेक का फ्लेक्सी कैप फंड चूज कर सकते हैं, उसमें आपको इंटरनेशनल थोड़ा एक्सपोजर भी मिल जाएगा और अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड है। दूसरी बात, आपने NASDAQ फंड में इन्वेस्ट किया, इंटरनेशनल एक्सपोजर हर एक के लिए जरूरी है US मार्केट्स में, लेकिन NASDAQ जो है एक सेक्टोरियल हो गया ना, टेक कंपनीज का एक इंडेक्स है, तो अगर आप S&P 500 में इन्वेस्ट, यू नो S&P 500 जो ट्रैक करता है, वो फंड्स को आप इन्वेस्ट करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो अगर आप PPFS रिप्लेस कर रहे हो तो उसमें भी आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल ही जाएगा।
तो यहाँ पर मदन जी आपको सलाह मिली है, आपको कुछ यहाँ पर बदलाव करने की जरूरत है जिसके जरिए आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। paisabazaar.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ paisabazaar.com पर। माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है? अपोलो से है सर। थैंक्स सर। पापा के बीपी का इशू है, सभी मेडिसिन हैज टू बी ऑन टाइम। हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो से। डाउनलोड अपोलो 24/7 नाउ। जी बिजनेस पर देखिए एक्सपर्ट्स का एक्सक्लूसिव और दमदार पैनल। राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर, तो वागले का वंडर, स्विंग के सुल्तान आशु मदान और किरण करेंगे कमाल। विश्वेश के विशेष और देखिए जैन साहब के जेम्स। सदाबहार है सेठी साहब, तो नितिन है निफ्टी के निशानेबाज। सुमित देंगे सुपर हिट, जय का होगा जैकपॉट। और इन सब के साथ सिमी के नॉन स्टॉप शेयर। जी बिजनेस पर देखिए दिन भर मेरे साथ बेस्ट चैनल बेस्ट पैनल। ओके तो यहां पर चलिए अब कुछ और कॉलर से बातचीत करते हैं। और इनफैक्ट अभी मोहन जी का हमारे पास सवाल आ रहा है, कोशिश करेंगे उनसे कांटेक्ट भी करने की। थाने से हमें सवाल पूछ रहे हैं ये कि इनके 15 फंड में 30,000 की SIP है और 10 साल में इन्हें 1 करोड़ चाहिए। अब इनके फंड की लिस्ट प्रतिभा बहुत ज़्यादा लंबी है, हम एक एक करके सबके नाम तो नहीं ले सकते हैं, पर हमने देखा 30,000 की कुल SIP ये 15 फंड में कर रहे हैं। अभी आपको लगता है कि ये इन इस करंट अपने मौजूदा इन्वेस्टमेंट से 10 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर पाएंगे, और इतनी लंबी लिस्ट को आप थोड़ा सा छोटा करना चाहेंगी? इनके जो जैसे आपने कहा, इनका जो SIP है आज के तारीख में 10 साल में 1 करोड़ इकट्ठा करना चाह रहे हैं और 15 फंड्स में 2,000 का SIP कर रहे हैं, मतलब 30,000 का उनका करंटली सिर्फ चालू है। 10,000 के लिए अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो 75 लाख तक उनका बन जाएगा। उनका जो शॉर्टफॉल है उसके लिए 2 तरीका है। एक तो वो 12,000 से SIP बढ़ा सकते हैं, वो थोड़ा मुश्किल होता है कि 30,000 आप कर रहे हो और सडनली 12,000 और बढ़ाने के लिए मुश्किल हो सकता है। इसलिए मेरा ये सुझाव होगा कि आप सिर्फ 2,000 से SIP को बढ़ा दे, 32,000 कर दे, और उसके बाद हर साल अगले 10 साल के लिए जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है 10-10% से आपका इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाते रहे तो भी आपका गोल मीट हो जाएगा। तो आपका गोल 1 करोड़ का जो 10 साल में आपको इकट्ठा करना है वो मीट करने में कोई दिक्कत मुझे नहीं नजर आ रही है। पर आपके पास जितने फंड्स हैं वो बहुत ज्यादा फंड्स हैं। 15 फंड्स अगर आप रखेंगे तो 2-3 प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो उनको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है, 15 फंड्स को मॉनिटर करना इतना आसान नहीं है। नंबर 2, आपका जो रिटर्न्स है वो अच्छा होने के बदले डाइल्यूट हो सकता है। अगर मान लो आपने कुछ आउटस्टैंडिंग फंड भी ले लिया लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम रहेगा तो इसलिए डाइल्यूट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने ज्यादा फंड चूज किया है तो आपको बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलेगा, उल्टा बहुत सारा ओवरलैप भी हो सकता है। अगर आप अंडरलाइन स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे तो बहुत सारा आपके पोर्टफोलियो में ओवरलैप भी हो सकता है। इसलिए हमारा सुझाव ये रहेगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा से ज्यादा 6-8 funds आप रखें, आपके जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसी में से 6-8 funds अगर आप रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी बात, आपका जो करंट पोर्टफोलियो है उसमें मिड और स्मॉल कैप का काफी ज्यादा मात्रा में है, 45% तक मिड और स्मॉल कैप है। नॉर्मली हम ये सोचते हैं अगर कोई तो बैलेंस्ड और यू नो हार्ट अटैक नहीं चाहिए आपको जब मार्केट्स वॉलेटाइल रहता है तो आप थोड़ा ज्यादा लार्ज कैप रखें, जैसे 70% लार्ज फ्लेक्सी लार्ज मिड कैप रखें। मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स टू पुट टुगेदर 20% और 10%, मतलब 30% होना चाहिए आपके आपका आज के तारीख में 30 के बदले में 45 है, तो उसको आप चेक करेंगे तो आई थिंक पोर्टफोलियो अच्छा है और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। अगर आप मेरे से पूछेंगे okay, अगले कॉलर से बात करते हैं। ओके okay, एक और कॉलर से बात करते हैं, छत्तीसगढ़ से राहुल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं अब। राहुल जी बहुत स्वागत करते हैं आपका,
आपने अपनी डिटेल्स भेजी थी सवाल की, आपके कुछ 7 फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं राहुल जी, और करंटली 22,000 रुपए आप निवेश कर रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या गोल्स के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है, मुझे म्यूचुअल फंड से 5 साल के बाद में लगभग 1 CR की रिक्वायरमेंट है, और फर्म मेरे जो बड़े बच्चे के बिजनेस, और एक्चुअल में इज इन मेडिकल प्रोफेशन एक्चुअली, तो उसके हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुझे शायद उतना जरूरत पड़े, और 10 साल के बाद में दूसरे बच्चे के लिए भी मुझे लगभग 2 CR की जरूरत है। तो मैं अभी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया हुआ है अप्रैल से, मैं इससे पहले मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो अभी मुझे ये मैंने 5-6 फंड्स में मैंने अभी ऐसा किया है कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि मैं इन SIP को कंटिन्यू करूँ या कि और आप कुछ सजेस्ट करते हैं, और मेरे गोल को मीट करने के लिए मैं और इसमें कितना इंक्रीज कर सकूँ या किस में क्या करूँ। ओके बिल्कुल, मैं प्रतिभा आप ही से पूछना चाहूंगी, अभी इनका जो करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने क्लैरिफाई भी किया कि किसके लिए इन्हें चाहिए ये इन्वेस्टमेंट प्लान, क्या सजेस्ट करेंगी इन्हें? राहुल जी, आपको जो टाइम फ्रेम है ना, 5 साल बहुत कम टाइम फ्रेम है, तो इसलिए अगर आपको 1 crore इकट्ठा करना है तो आपका SIP बहुत बड़ा होना चाहिए। जैसे 1 crore इकट्ठा करने के लिए अगर 12% भी आप रिटर्न कैलकुलेट कर लो, तो 1,22,000 रुपए का SIP अगर आप 5 साल के लिए करोगे तो 1 crore इकट्ठा हो जाएगा। अब वही अभी हमने सोचा था कि आपका 1 crore अगर इकट्ठा हो गया तो, और 5 साल के लिए उसको टच नहीं करोगे तो 1.75 हो जाएगा। अभी आपने जैसे बताया, मुझे नहीं पता कि आपको पूरा 1 crore एक बच्चे को देके फिर वापस स्टार्ट करना है, तो वापस वो 1.22 crore के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट को काफी आपको रैंप अप करना पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है, 5 साल मतलब सिर्फ 60 महीने हैं, और उसमें अगर आपको इतना बड़ा रकम चाहिए तो ये इन्वेस्टमेंट्स को रैंप अप करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपके फंड्स, जहां तक आपकी फंड्स की सिलेक्शन की बात है, मोस्ट जो आपने फंड सिलेक्ट किए हैं अच्छे फंड्स हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो काफी वॉलेटाइल रह सकता है और काफी लंबे समय अवधि तक अंडर परफॉर्म भी कर सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब आपने एक सेक्टोरियल फंड चूज किया है तो इसका ये उतार चढ़ाव हो सकता है और आपको अंडर परफॉर्मेंस भी लेना पड़ेगा, और आपका पोर्टफोलियो भी काफी मिड और स्मॉल कैप हैवी है, मिड में 40-45% है, टोटल मिला के मिड और स्मॉल कैप आपका 60% है, बहुत ही अग्रेसिव पोर्टफोलियो आपने बनाया। देयर आर फंड्स आर गुड बट द पोर्टफोलियो इज अग्रेसिव। लार्ज कैप जो है आज के तारीख में सिर्फ 40% है। मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप एक मिड कैप फंड, एक स्मॉल कैप फंड में निवेश करना स्टॉप करके फ्लेक्सी कैप फंड चूज करें, 2-3 फ्लेक्सी कैप फंड, थोड़ा और बैलेंस हो जाएगा। तो फ्लेक्सी कैप फंड में जैसे आप PPFAS का फ्लेक्सी कैप, एक्सिस का फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको का फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हो, और आगे जाके बिकॉज आपका टाइम सिर्फ 5 साल है तो थीमेटिक फंड्स ना चूज करें, मिड स्मॉल लार्ज कैप में ही स्टिक करें। ओके, एक और सवाल लेते हैं जल्दी से, दिल्ली से उर्मिला जी हमारे साथ है। उर्मिला जी बहुत स्वागत करते हैं आपका, बताइए अपने निवेश के बारे में क्या सवाल है आपका? मैम नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। मैम मैंने जी, मैं नाम बताइए अपना। मैम योगेश कुमार हूँ, मैम मैं हस्बैंड हूँ मैम उर्मिला जी का। ओके हाँ बताइए। मैम मैंने जो आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा है, ये मैं पोर्टफोलियो सही है या गलत है, या मुझे इसको बदलने की जरूरत है? आप उर्मिला जी के बिहाफ पे सवाल पूछ रहे हैं? जी जी मैम, वो मेरी धर्मपत्नी है, मेरी वाइफ है, मेरी वो, मैं उनका हस्बैंड हूँ। ओके ओके ओके, 4 फंड में 4,000 की SIP उर्मिला जी की चल रही है और 10 साल में 75 लाख रुपए चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ओके, और ये 10 साल में कौन से पर्पस के लिए 75 लाख चाहिए? मैम बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए 10 साल में 75 लाख। ओके प्रतिभा, 10 साल में 75 लाख फॉर एजुकेशन आपको इनफ लग रहे हैं, और जो इनकी अभी करंट पोर्टफोलियो है उस लिहाज से अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे? इनफैक्ट 1 लाख एकमुश्त निवेशन का ICICI हाउसिंग फंड में भी है।
तो पहले तो फंड्स की बात कर लेते हैं. फंड्स आपने चूज अच्छा किया है, लेकिन जो आप 2019 से शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो आज की तारीख में आपका 40% जो इन्वेस्टमेंट है एक ही फंड में है, आईप्रो हाउसिंग में. ये थीमेटिक फंड है, ये अभी लॉन्च हुआ है ये फंड. तो अगर हाउसिंग, जैसे माना जाता है कि हाउसिंग अच्छा करेगा, अगर हाउसिंग अच्छा भी करे तो वॉलेटाइल हो सकता है. ये 10 साल बहुत लंबा समय अवधि है, उसमें काफी वॉलेटाइल रह सकता है. तो आपको ये उतार चढ़ाव का मतलब एक्सपेक्टेशन रख लेना चाहिए कि बहुत स्मूथ राइड नहीं होने वाला है. अदरवाइज ये फंड ठीक है. लेकिन ये बात है, अगर आपको 75 लाख चाहिए, अगर 4,000 के हिसाब से आपको 8-9 लाख बन जाएंगे 10 साल में, तो आपको SIP बहुत बढ़ाने की जरूरत है. और जो आपने ऑलरेडी 1 लाख इन्वेस्ट किया है, वो 10 साल बाद अगर 12% रिटर्न देता है तो 3 लाख तक बन जाएगा. तो 9 + 3 तो 12 ही हुए, आपको चाहिए 75. तो आपको 4-5 गुना एक्स्ट्रा SIP करना पड़ेगा, तभी जाके आपका गोल मीट हो सकता है. ओके, तो उर्मिला जी को मिल गया आपने सवाल का जवाब. उनके हस्बैंड उनके बिहाफ पे बात कर रहे थे. और प्रतिभा, आपका भी बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए. तो मनी गुरु में आज के लिए बस इतना ही.